दोस्तों, बिजनेस ऑफ अकाउंट्स में आपने जनरल वाउचर के बारे में जरूर पढ़ा होगा। जनरल वाउचर एक ऐसा वाउचर होता है जिसकी मदद से आप अपने बिजनेस ऑफ अकाउंट्स को यहाँ पर इजीली मेंटेन करके रख सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने ये बैलेंस शीट को भी यहाँ पर आसानी से मेंटेन कर पाएंगे। दोस्तों, अगर हम बात करें अदर्स वाउचर की, जैसे अगर हम बात करें परचेज या फिर सेल्स की, यहाँ पर अगर आप किसी भी गुड्स को परचेज करते हैं तो वो आपकी करंट एसेट्स में आपको रिफ्लेक्ट होती है। लेकिन अगर आप यहाँ पर किसी एसेट्स को खरीदना चाहते हैं, जैसे आप कोई फर्नीचर खरीदना चाहते हैं जो कि आप कंपनी के यूज के लिए ही खरीद रहे हैं, तो इस केस में आप यहाँ पर परचेज वाउचर में इसकी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने इसकी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया तो यहाँ पर आपको उसे सेल करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपकी यहाँ पर करंट एसेट्स में आपको दिखाई देगी। यहाँ पर आपको जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी पड़ेगी वो रिकॉर्ड करना होगा आपको जनरल वाउचर में, जिसमें आप यहाँ पर उसे फिक्स एसेट्स में डिफाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर अपने बैड डेट्स की ट्रांजेक्शन को यहाँ पर मेंटेन करना चाहते हैं, मान लीजिए आपको किसी तरीके का कोई लॉस हो गया और पार्टी आपको पेमेंट नहीं कर रही है, तो इस केस में आप बैड डेट्स की एंट्री पास करके जनरल वाउचर के माध्यम से अपनी बैलेंस शीट को यहाँ पर आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। तो दोस्तों, जनरल वाउचर के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको 11 एग्जांपल्स बताने वाले हैं जिसकी मदद से आप जनरल वाउचर के ट्रांजेक्शन को यहाँ पर रिकॉर्ड करना सीख जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप यहाँ पर एक भी स्टेप को मिस करेंगे तो आपको सही से समझ में नहीं आएगा, और अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन रह जाती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको इसका रिप्लाई जरूर देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बीजी सॉफ्टवेयर के अंदर जनरल वाउचर की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर 11 क्वेश्चन यहाँ पर लिए हुए हैं, और इन्हीं क्वेश्चन के माध्यम से आज हम आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से बिजी अकाउंटिंग के अंदर जनरल वाउचर की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। दोस्तों, नीचे की तरफ आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर इन सभी क्वेश्चंस के लेजर्स और इसका अंडर ऑफ ग्रुप भी हमने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, जिसकी मदद से आपको लेजर्स बनाने में आसानी होगी। तो चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। हम आ चुके हैं अपने बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर, और यहाँ से हमें आना है ट्रांजेक्शन के अंदर। ट्रांजेक्शन में आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा जनरल वाउचर का, इस पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर तीन ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला है ऐड का। ऐड का मतलब है आप यहाँ पर जनरल वाउचर में आप एक नई ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उस केस में आप यहाँ पर ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आप यहाँ पर मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, यानी आपने पहले से ही कोई एंट्री पास कर रखी है और आप उसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं, तो उस केस में आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं तीसरा ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देता है लिस्ट का, जिस पर क्लिक करके आप अपनी सभी ट्रांजेक्शन को एक साथ यहाँ पर देख सकते हैं। तो हमें यहाँ पर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है, उसके लिए हम यहाँ पर ऐड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करने वाले हैं। ऐड वाले ऑप्शन पर जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने ऐड जनरल वाउचर के नाम से आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी, और यहाँ पर हम अपनी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं वाउचर सीरीज में हमने यहाँ पर मेन रखा हुआ है, इसके बारे में मैं ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के इसके बारे में सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट कॉलम आपका डेट का है, जिसमें आप अपनी डेट को सिलेक्ट करते हुए यहाँ पर आगे बढ़ेंगे जिस डेट पे आप ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जीएसटी नेचर आपसे पूछा जा रहा है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आप जो गुड्स परचेज कर रहे हैं वो इनमें से किस कैटेगरी के अंदर आता है। तो फिलहाल यहाँ पर मैं इसे नॉट एप्लीकेबल रखते हुए आगे बढ़ने वाले हैं। इन सभी चीजों के बारे में ऑलरेडी मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के इसके बारे में भी जान सकते हैं। तो फिलहाल हम इसे नॉट एप्लीकेबल रखते हुए यहाँ पर आगे बढ़ने वाले हैं। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर डी और सी का एक ऑप्शन दिखाई देगा। डी का मतलब यहाँ पर है डेबिट और सी का मतलब है क्रेडिट, यानी हम यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन करने वाले हैं वो डबल एंट्री ट्रांजेक्शन करने वाले हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले डेबिट को सिलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो है परचेज फर्नीचर फ्रॉम मिस्टर अनुज फर्नीचर हाउस ₹30,000, यानी 30,000 रुपए का फर्नीचर हमने अनुज फर्नीचर हाउस से परचेज किया है, और ये जो हमने फर्नीचर परचेज किया है ये हमारी एक एसेट्स है। नीचे की तरफ आप यहाँ पर देख सकते हैं फर्नीचर अंडर ऑफ जाएगा हमारा फिक्स एसेट्स, और अनुज फर्नीचर हाउस जो है वो अंडर ऑफ जाएगा हमारा सेंडरी क्रेडिटर। तो इसके हिसाब से हम यहाँ पर लेजर क्रिएट करने वाले हैं। बिजी में आने के बाद यहाँ पर अगर आपको लेजर क्रिएट करना है तो आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना होगा F3। जैसे ही आप यहाँ पर F3 प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके सामने ऐड अकाउंट मास्टर के नाम से एक विंडो ओपन हो जाएगी, और यहाँ पर आपको अपने लेजर को क्रिएट करना होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर एक लेजर क्रिएट करने वाले हैं फर्नीचर का। फर्नीचर लिखते हुए जैसे हम यहाँ पर एंटर करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको अपना ग्रुप सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है फिक्स एसेट्स। जैसे ही आप यहाँ पर फिक्स एसेट सेलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर डेप्रिसिएशन के नाम से एक नई विंडो ओपन हो जाएगी, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप अपने डेप्रिसिएशन को यहाँ पर डिफाइन करना चाहते हैं। और डिफाइन करने के लिए भी आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको दो तरीके दिए गए हैं, एनुअली रेट के हिसाब से या फिर हाफ ईयरली रेट के हिसाब से। तो दोस्तों डेप्रिसिएशन क्या होता है इसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। फिलहाल हम यहाँ पर डेप्रिसिएशन को डिफाइन नहीं कर रहे हैं, हम इसे यहाँ पर ओके करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका ओपनिंग बैलेंस, प्रीवियस बैलेंस, इन सभी चीजों के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के इन सभी चीजों के बारे में एक एक करके समझ सकते हैं। अगर मैं इन सभी चीजों को यहाँ पर समझाने बैठूंगा तो आपकी जो वीडियो होगी बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी, इसलिए हम यहाँ पर इन सभी चीजों को स्किप करने वाले हैं। यहाँ पर आपको एक्सेप्ट करने के लिए अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है F2। F2 प्रेस करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने सेव दिस मास्टर का एक ऑप्शन ओपन हो जाएगा और यहाँ पर हम इसे सेव कर देंगे। दोस्तों सेव करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं हम डेबिट वाले अमाउंट पर जंप कर चुके हैं और यहाँ पर हमें अपना अमाउंट डालना होगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो फर्नीचर का अमाउंट था वो 30,000 था, तो हम यहाँ पर 30,000 टाइप करने वाले हैं। 30,000 लिखते हुए जैसे हम यहाँ पर एंटर की प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आप शॉर्ट नरेशन में जंप कर जाएंगे और यहाँ पर आपको अपनी शॉर्ट नरेशन टाइप कर देनी है। अगर आप यहाँ पर कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, फिलहाल हम इस वाले ऑप्शन को यहाँ पर स्किप करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट आप क्रेडिट पर जंप कर चुके हैं। इसके बाद आपको एंटर प्रेस करते हुए नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपको अपना दूसरा अकाउंट सेलेक्ट करना होगा, यानी हम यहाँ पर किस पार्टी से परचेज कर रहे हैं वो चीज हमें यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हम जो यहाँ पर गुड्स को परचेज कर रहे हैं वो अनुज फर्नीचर हाउस से यहाँ पर परचेज कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर इसका एक लेजर क्रिएट करने वाले हैं। तो दोस्तों लेजर क्रिएट करने के लिए आपको कीबोर्ड से फिर से प्रेस करना है F3 और यहाँ पर आपको अपनी पार्टी का नाम टाइप करते हुए एंटर करके नीचे आ जाना है और इसे अंडर ऑफ डाल देना है सेंडी क्रेडिटर। सेंडी क्रेडिटर का मतलब होता है देनदार, यानी इस पार्टी से अगर हम गुड्स को परचेज कर रहे हैं तो वो हमारा सेंडी क्रेडिटर होगा और अगर हम किसी पार्टी को गुड्स को बेचते हैं तो वो अंडर ऑफ जाता है सेंडी डेबिटर। यहाँ पर आप एंटर करके इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लीजिए और यहाँ पर अगर आप चाहें तो इसे अनरजिस्टर रखते हुए इसे यहाँ पर F2 करके एक्सेप्ट कर सकते हैं। इतना करते आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो अमाउंट होगा वो 30,000 क्रेडिट साइड में यहाँ पर जंप कर जाएगा। इसके बाद आप अपनी एंट्री को यहाँ पर एक्सेप्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसे सेव करते हुए आगे बढ़ेंगे। सारी ट्रांजैक्शन करने के बाद मैं आपको अपनी बैलेंस शीट दिखाऊंगा और फिर मैं आपको सारी चीजें एक एक करके समझाऊंगा। तो चलिए इसके बाद हम यहाँ पर दूसरी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो दूसरी ट्रांजैक्शन है वो यहाँ पर है हमारी परचेज मशीनरी फ्रॉम मिस्टर रोहित मशीनरी हाउस ₹60,000। कहने का मतलब ये हुआ कि हमने एक मशीनरी खरीदी है रोहित मशीनरी हाउस से 60,000 रुपए की। तो चलिए फटाफट पहले हम यहाँ पर मशीनरी का एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं। लेजर क्रिएट करने के लिए आपको फिर से इसी ऑप्शन पर आना है, F3 की प्रेस करना है और यहाँ पर आपको टाइप कर देना है मशीनरी और इसे अंडर ऑफ डाल देना है फिक्स एसेट्स और उसके बाद यहाँ पर आपको इसे ओके करते हुए और F2 करके इसे सेव कर लेना है। इतना करने के बाद यहाँ पर आपको अमाउंट फिल करना है, तो अमाउंट हमारा था 60,000 और एंटर प्रेस करना है। इसके बाद क्रेडिट में आपको पार्टी का लेजर यहाँ पर क्रिएट करना होगा जिस पार्टी से आप इस मशीनरी को परचेज कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको लेजर क्रिएट करने के लिए वापस से F3 की प्रेस करना है और यहाँ पर आपको अपनी पार्टी का नाम टाइप कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे केस में हमारी जो पार्टी का नाम है वो यहाँ पर है रोहित मशीनरी हाउस, तो यहाँ पर हम रोहित मशीनरी हाउस रखते हुए इसे अंडर ऑफ सेंडी क्रेडिटर रखते हुए इसे यहाँ पर सेव करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर अनरजिस्टर रखना है क्योंकि हम यहाँ पर जीएसटी नंबर को फिल नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर अनरजिस्टर रखते हुए इसे F2 की से सेव करेंगे। इतना करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी ये एंट्री भी यहाँ पर पास हो चुकी है। इसके बाद आपको यहाँ पर सेव वाले बटन पर क्लिक कर देना है, हमारी ये एंट्री पास हो गई है। सेम इसी तरीके से हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो यहाँ पर टूल्स का है। हम यहाँ पर टूल्स को यहाँ पर परचेज करने वाले हैं सुनील टूल हाउस से। तो चलिए हम इसको भी फटाफट यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। हम वापस से बिजी के अंदर आ चुके हैं, अकाउंट्स पर आ चुके हैं और यहाँ पर F3 की प्रेस करते हुए यहाँ पर हमने टूल्स लिख लिया है और उसके बाद इसे अंडर ऑफ डालेंगे हम लोग फिक्स एसेट्स के और उसके बाद यहाँ पर इसे ओके करते हुए F2 करके इसे यहाँ पर सेव कर देंगे। दोस्तों इतना करने के बाद यहाँ पर आपको अपना अमाउंट फिल कर देना है, तो हम यहाँ पर 45,000 अमाउंट डालते हुए यहाँ पर एंटर करते हुए नीचे आ जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर हमें दूसरा लेजर क्रिएट करना है पार्टी का। तो यहाँ पर हम F3 की प्रेस करेंगे और यहाँ पर हमारी जो पार्टी है वो है सुनील टूल हाउस, तो यहाँ पर हम सुनील टूल हाउस को रखते हुए इसे अंडर ऑफ सेंड्री क्रेडिटर रखते हुए इसे यहाँ पर अनरजिस्टर रखते हुए इसे यहाँ पर सेव कर देंगे। तो दोस्तों F2 की प्रेस करते हुए हम यहाँ पर इसे सेव कर देते हैं। आप देख सकते हैं हमारी ये एंट्री भी पास हो चुकी है। इसके बाद इसे भी हम यहाँ पर सेव कर लेते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कंप्यूटर का। कंप्यूटर हमने खरीदा है सूरज कंप्यूटर से 25,000 रुपए का, तो फटाफट हम ये भी एंट्री पास कर लेते हैं। एंटर करते हुए आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है, F3 की प्रेस करना है, यहाँ पर आपको कंप्यूटर लिखते हुए एंटर करके इसे अंडर ऑफ फिक्स एसेट्स डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर इसे ओके करते हुए F2 की से इसे सेव कर लेना है। अमाउंट यहाँ पर टाइप करना है आपको 25,000 और उसके बाद एंटर करते हुए नीचे की तरफ क्रेडिट साइड में आ जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी जो पार्टी है जिससे आपने कंप्यूटर को खरीदा है उसका नाम है सूरज कंप्यूटर तो हम यहाँ पर सूरज कंप्यूटर के नाम से एक लेजर क्रिएट करने वाले हैं। हमने यहाँ पर सूरज कंप्यूटर रख दिया और इसके बाद इसे अंडर ऑफ डाल देंगे हम लोग सेंडरी क्रेडिटर, और उसके बाद यहाँ पर आपको अनरजिस्टर रखते हुए इसे यहाँ पर सेव कर दीजिए। दोस्तों इतना करने के बाद आपको यहाँ पर सेव वाले बटन पर क्लिक कर देना है। आपके यहाँ पर चारों क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो चुके हैं। तो दोस्तों ये चारों क्वेश्चन बिल्कुल सेम एज इट इज थे, जिसको हमने आसानी से यहाँ पर परचेज कर लिया है। अब बात करते हैं डेप्रिसिएशन की। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने बिजनेस के लिए इन चार चीजों को यहाँ पर परचेज किया है। अब इन चार चीजों की वैल्यू हमेशा इतनी नहीं रहेगी जितने का हमने इसको खरीदा है, यानी हर साल या हर महीने इसकी वैल्यू डिक्रीज होती चली जाएगी, यानी सामान की वैल्यू कम होती चली जाएगी। उसी को कहा जाता है डेप्रिसिएशन, यानी हर कंपनी हर साल अपने सभी एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन को लगाती है। तो यहाँ पर हम डेप्रिसिएशन को लगाने वाले हैं फर्नीचर के ऊपर और मशीनरी के ऊपर। आप यहाँ पर देख सकते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर ₹5000, 5000 का हमारा डेप्रिसिएशन यहाँ पर लगा है फर्नीचर के ऊपर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी ₹4000, यानी 4000 का डेप्रिसिएशन हमारा लगा है मशीनरी के ऊपर। तो इस ट्रांजेक्शन को कैसे आप बिजी के अंदर रिकॉर्ड करेंगे, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर डेप्रिसिएशन का एक लेजर क्रिएट करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं वापस से अपनी वाउचर पे आ चुके हैं और यहाँ पर आपको एक लेजर क्रिएट करना होगा डेप्रिसिएशन के नाम से। इसको अंडर ऑफ डालेंगे आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और उसके बाद यहाँ पर आपको F2 की मदद से इसको यहाँ पर सेव कर लेना है। इतना करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका अमाउंट यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। तो हमारे केस में हमारा जो अमाउंट है वो 5000 का है फर्नीचर के ऊपर। तो हम यहाँ पर 5000 टाइप करते हुए यहाँ पर एंटर प्रेस करते हुए नीचे आ जाएंगे और क्रेडिट साइड में हम यहाँ पर स्पेस की प्रेस करेंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे फर्नीचर। यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं हमारा जो करंट बैलेंस है वो 30000 का ही दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे हम यहाँ पर एंटर की प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो अमाउंट दिखाई दे रहा है वो 25000 का यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि 30000 की हमारे यहाँ पर फर्नीचर था जिसमें 5000 का यहाँ पर डेप्रिसिएशन लग चुका है। अब सामान की वैल्यू कितनी बची है हमारे पास, 25000 की हमारी सामान की वैल्यू बची है। इसके बाद आप यहाँ पर F2 की मदद से इसे यहाँ पर सेव कर लीजिए। दोस्तों इतना करने के बाद यहाँ पर हम अपने दूसरे क्वेश्चन को भी यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। हमारा जो दूसरा डेप्रिसिएशन यहाँ पर लगने वाला है वो लग रहा है यहाँ पर मशीनरी के ऊपर। तो यहाँ पर हम फिर से डेप्रिसिएशन को सिलेक्ट करने वाले हैं और यहाँ पर अमाउंट डाल रहे हैं 4000 और उसके बाद एंटर करते हुए यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है मशीनरी। मशीनरी को सिलेक्ट करते हुए जैसे हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो मशीनरी की वैल्यू थी तो यहाँ पर 60000 थी, जिसमें से अब आप यहाँ पर देख सकते हैं 56000 हमारे पास यहाँ पर वैल्यू रह गई है। 4000 का हमारा यहाँ पर डेप्रिसिएशन लग चुका है। इसके बाद हम यहाँ पर इसे एंटर करके F2 की मदद से इसे सेव कर लेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर 6 क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो 7वां क्वेश्चन है वो यहाँ पर एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस पेड फ्रॉम मिस्टर आदित्य ऑनर अकाउंट ₹15000। कहने का मतलब ये हुआ कि आदित्य ऑनर जो है वो कंपनी का ऑनर है जिसने 15000 का यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पे किया है। तो ये ट्रांजेक्शन आप किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे अपने जनरल वाउचर के अंदर, आइए जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर अपने वाउचर में आने के बाद यहाँ पर एक लेजर को क्रिएट करने वाले हैं एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस के नाम से, और इसे अंडर ऑफ डालेंगे हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंस के, और उसके बाद यहाँ पर हम इसे F2 की मदद से सेव कर लेंगे। इतना करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस होगा वो यहाँ पर डेबिट हो जाएगा। वो आप यहाँ पर देख सकते हैं 15000 का हमारा यहाँ पर अमाउंट है जिससे हमारा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस यहाँ पर डेबिट होगा। तो हम यहाँ पर अमाउंट डाल देते हैं 15000 और उसके बाद एंटर प्रेस करते हुए नीचे आ जाएंगे। क्रेडिट में आपको यहाँ पर एक और लेजर क्रिएट करना होगा आदित्य ऑनर का, जो कि अंडर ऑफ जाएगा हमारा कैपिटल अकाउंट के, क्योंकि वो हमारी कंपनी का ऑनर है। तो यहाँ पर हम F3 की प्रेस करेंगे और यहाँ पर टाइप कर देंगे आदित्य ऑनर। इसके बाद इसे अंडर ऑफ डाल देंगे हम यहाँ पर कैपिटल अकाउंट के, और उसके बाद F2 की मदद से हम यहाँ पर इसे सेव कर लेंगे। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर ट्रांजेक्शन को सेव कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ पर F2 की मदद से इसे यहाँ पर सेव कर लेना है। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रेंट ऑफ बिल्डिंग पेड फ्रॉम मिस्टर आदित्य ऑनर अकाउंट ₹10000, यानी 10000 का रेंट ऑफ बिल्डिंग भी पे किया गया है आदित्य ऑनर के अकाउंट से। तो चलिए इस ट्रांजेक्शन को भी हम फटाफट रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसके लिए हम वापस से अपने बीजी के अंदर आ चुके हैं। डेबिट में आने के बाद यहाँ पर आपको अपने कीबोर्ड से वापस से F3 की प्रेस करना है। यहाँ पर आपको लिखना है रेंट ऑफ बिल्डिंग और यहाँ पर इसे अंडर ऑफ डाल देना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के, और उसके बाद यहाँ पर F2 की मदद से इसे यहाँ पर सेव कर देना है। अमाउंट जो है यहाँ पर आप डाल दीजिए 10000, क्योंकि 10000 का यहाँ पर रेंट ऑफ बिल्डिंग पे किया गया है। किसके थ्रू पे किया गया है, तो यहाँ पर क्रेडिट में हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे आदित्य ऑनर को। आदित्य ऑनर लेने के बाद जैसे हम यहाँ पर एंटर की प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आदित्य ऑनर के अकाउंट से टोटल जो अमाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो चुका है वो 25000 का यहाँ पर क्रेडिट हो चुका है, क्योंकि 15000 का इन्होंने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पे किया था और उसके बाद 10000 का यहाँ पर रेंट ऑफ बिल्डिंग भी पे किया है। तो टोटल अमाउंट आप यहाँ पर देख सकते हैं 25,000 यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसके बाद आपको यहाँ पर F2 की प्रेस करते हुए इसे यहाँ पर सेव कर देना है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर 8 क्वेश्चन को भी यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास एक छोटी सी कंफ्यूजन एंट्री है जिसमें आप देख सकते हैं हमने लिखा है सोल्ड कंप्यूटर तो मिस्टर शकील अहमद ₹23,000 विथ ट्रांसफर लॉस ऑन सेल इन फिक्स एसेट्स। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जो अभी हमने यहाँ पर कंप्यूटर को खरीदा था जिसकी वैल्यू यहाँ पर ₹25,000 थी, उसको हमने यहाँ पर ₹2,000 के लॉस में यहाँ पर शकील अहमद को इसे बेच दिया है। तो इस एंट्री को आप किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे आइए जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बीजी में आने के बाद यहाँ पर डेबिट में आ जाना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले लेजर क्रिएट करना है अपनी पार्टी का जिसको आप यहाँ पर गुड्स को बेच रहे हैं। तो यहाँ पर हम F3 की प्रेस करेंगे और यहाँ पर लेजर क्रिएट करेंगे शकील अहमद का और इसे अंडर ऑफ डालेंगे हम लोग सेंड्री डेबिटर के। दोस्तों सेंड्री डेबिटर हमने इसे इसलिए डाला है क्योंकि इसने हमसे गुड्स को परचेज किया है यानी ये हमारा कस्टमर है। और उसके बाद यहाँ पर आपको F2 की प्रेस करते हुए इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने फिर से वार्निंग आ रही है क्योंकि यहाँ पर हमने पार्टी का जीएसटी नंबर और रजिस्ट्रेशन टाइप हमने यहाँ पर सेलेक्ट नहीं किया हुआ है तो इसे हम यहाँ फिलहाल स्किप करते हुए यहाँ पर इसे सेव कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम डेबिट साइड में जंप कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम अमाउंट को फिल कर देते हैं। हमने जो शकील अहमद को कंप्यूटर बेचा है वो 23,000 का यहाँ पर सेल किया है तो हमने यहाँ पर 23,000 डाल दिया है। इसके बाद हम यहाँ पर एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपसे पूछा जा रहा है मेथड ऑफ एडजस्टमेंट। तो यहाँ पर हम स्पेस की प्रेस करते हुए न्यू रेफरेंस को रखेंगे और यहाँ पर रेफरेंस नंबर में मान लीजिए हम 1 टाइप करते हुए इसे यहाँ पर एंटर करके एक्सेप्ट करने वाले हैं। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आप शॉर्ट नरेशन पर जंप कर चुके हैं। एंटर करके आपको नीचे की तरफ आ जाना है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है सी की जगह आपको यहाँ पर डी टाइप करना होगा क्योंकि हम यहाँ पर लॉस को भी दिखाने वाले हैं तो इसलिए हम यहाँ पर डेबिट को सिलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करेंगे क्योंकि लॉस भी हमारा डेबिट ही होता है। इसके बाद हमें यहाँ पर एक और लेजर क्रिएट करना होगा तो हम वापस से F3 की प्रेस करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो नेक्स्ट लेजर है वो यहाँ पर लॉस ऑन सेल का लेजर है तो इसे हम फटाफट यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं। लॉस ऑन सेल रखते हुए इसे अंडर ऑफ डालेंगे हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसिस के और उसके बाद यहाँ पर F2 की प्रेस करते हुए इसे यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे। इतना करते आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो लॉस हुआ है ₹2,000 का यहाँ पर लॉस हुआ है क्योंकि ₹25,000 का हमारा कंप्यूटर था, 23 का हमने यहाँ पर शकील अहमद को बेच दिया है, 2,000 का हमें यहाँ पर लॉस अपना दिखाना है। तो हम बीजी के अंदर आते हुए यहाँ पर 2,000 टाइप कर देंगे और उसके बाद एंटर की प्रेस करते हुए यहाँ पर आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं अब आपको क्रेडिट सेलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करना है और यहाँ पर आपको कंप्यूटर टाइप करते हुए कंप्यूटर को सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों इतना करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो करंट बैलेंस है वो यहाँ पर 0 आपको दिखाई दे जाएगा क्योंकि ₹25,000 का हमने यहाँ पर गुड्स को परचेज किया था और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रेडिट साइड में भी ₹25,000 हमारा अमाउंट हो चुका है। कंप्यूटर आप यहाँ पर देख सकते हैं कंप्यूटर हमने खरीदा था ₹25,000 का जो वैल्यू आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। ₹23,000 का हमने यहाँ पर शकील को बेच दिया है, ₹2,000 का हमारा यहाँ पर लॉस हो गया है। नीचे की तरफ आप यहाँ पर देख सकते हैं ₹25,000 हमारा यहाँ पर बैलेंस हो चुका है। उसी तरीके से यहाँ पर भी आप नीचे की तरफ देख सकते हैं ₹25,000 हमारा यहाँ पर भी बैलेंस अमाउंट हो चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं करंट बैलेंस हमारा यहाँ पर 0 हो चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने एसेट्स को यहाँ पर सेल कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर इसे F2 की प्रेस करते हुए इसे यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है 10 नंबर पे जो कि लिखा हुआ रिसीव फ्रॉम मिस्टर शकील अहमद ₹22,000। अब इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए आपको अपने रिसिप्ट वाउचर में यहाँ पर जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर हम कैश को रिसीव कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम जाते हैं वापस से अपने बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर एड रिसिप्ट का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा। इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों इतना करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं रिसिप्ट वाउचर आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको एंटर करते हुए यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी पार्टी को सिलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पर टाइप कर रहे हैं शकील अहमद और यहाँ पर टाइप कर रहे हैं 22,000 और उसके बाद हम यहाँ पर एंटर करते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने बिल बाय बिल डिटेल ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको स्पेस करते हुए एडजस्टमेंट को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पर एडजस्टमेंट को सेलेक्ट करेंगे तो रेफरेंस नंबर आपसे मांगा जा रहा है, आपको वापस से स्पेस की प्रेस करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें जो इससे पेमेंट लेनी थी वो 23,000 की यहाँ पर पेमेंट लेनी थी लेकिन अभी फिलहाल हमें ये ₹22,000 दे रहा है। तो हम यहाँ पर इस रेफरेंस नंबर को सेलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं ₹22,000 यहाँ पर हमारे पास आ चुका है। इसके बाद हम यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करेंगे। एंटर करते हुए हम यहाँ पर नीचे आ जाएंगे और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी जो करंट बैलेंस हमारा बचा हुआ है वो ₹1,000 यहाँ पर बचा हुआ है यानी ₹1,000 हमें अभी शकील अहमद से और लेना होगा। इसके बाद डेबिट साइड में आप यहाँ पर चाहें तो बैंक या फिर कैश सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर कैश को लेते हुए इसे यहाँ पर एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। F2 की प्रेस करते हुए हम इस एंट्री को यहाँ पर सेव कर रहे हैं। इतना करने के बाद ये क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वह यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रांसफर ऑफ ₹1,000 फ्रॉम शकील अहमद अकाउंट टू बैड डेब्ट्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो शकील अहमद से हमें 1000 रुपए यहाँ पर लेने थे वो अब हमें यहाँ पर नहीं दे रहा है, जिसका हमें यहाँ पर लॉस हो चुका है और उस लॉस को कहा जाता है बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स का मतलब होता है डूब जाना, यानी 1000 रुपए हमारा यहाँ पर डूब चुका है। अब इस 1000 रुपए को आप अपने बिजी के अंदर किस तरीके से मेंटेन करेंगे आइए जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक बार और क्लियर करना चाहूंगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं 23,000 रुपए का हमने यहाँ पर शकील को कंप्यूटर बेचा था, जो कि हमने यहाँ से 22,000 रुपए शकील से रिसीव कर लिया है। 1000 रुपए अब वो हमें नहीं दे रहा है, यानी उसने क्या किया, 1000 रुपए मना कर दिया हमें देने के लिए। अब ये 1000 रुपए हमें अपनी कंपनी के अंदर बैड डेब्ट्स के अंदर दिखाना है कि हमारा ये जो पैसा है ये यहाँ पर डूब गया है। तो इस तरह की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हम वापस से अपने जनरल वाउचर के अंदर आएंगे। यहाँ पर आपको एक लेजर क्रिएट करना होगा बैड डेब्ट्स का। यहाँ पर आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है F3 और यहाँ पर आपको टाइप कर देना है बैड डेब्ट्स। दोस्तों बैड डेब्ट्स लिखने के बाद इसे आप अंडर ऑफ डाल देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के और उसके बाद यहाँ पर F2 की प्रेस करते हुए इसे यहाँ से सेव कर देंगे। अब आपको यहाँ पर अमाउंट फिल करना है, तो हम यहाँ पर डाल देते हैं 1000 रुपए और एंटर की प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं क्रेडिट साइड में आप जंप कर चुके हैं और यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है शकील को। तो स्पेस की प्रेस करते हुए आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए शकील अहमद और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं शकील अहमद का बैलेंस अमाउंट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं भी 1000 रुपए हमें यहाँ पर इससे लेना है। जैसे हम यहाँ पर एंटर की प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेथड ऑफ एडजस्टमेंट विंडो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको स्पेस की प्रेस करते हुए एडजस्टमेंट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, यहाँ पर रेफरेंस नंबर सेलेक्ट करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 1000 रुपए यहाँ पर पेंडिंग था जो हमें इससे यहाँ से रिसीव करना था। इस वाले रेफरेंस नंबर को सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर एंटर करके इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे। दोस्तों इतना करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो करंट बैलेंस था वो यहाँ पर 0 हो चुका है, यानी ये 1000 रुपए हमारे यहाँ पर डूब चुका है, जिसे हमने अंडर ऑफ बैड डेब्ट्स यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया है। इसके बाद आपको यहाँ से एंटर करके इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेना है, या फिर आप चाहें तो अपने कीबोर्ड से F2 की प्रेस कर सकते हैं। इतना करने के बाद हमने सभी ट्रांजेक्शन को यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया है। अब हम आपको अपना बैलेंस शीट दिखाना चाहेंगे, तो बैलेंस शीट दिखाने के लिए स्केप की हम यहाँ पर प्रेस करेंगे। यहाँ पर आपको आना है डिस्प्ले के अंदर और यहाँ पर आपको आना है फाइनल रिजल्ट्स के अंदर। यहाँ पर आपको दिखेगा बैलेंस शीट का एक ऑप्शन, इसको सेलेक्ट करते हुए हॉरिजॉन्टल स्टैंडर्ड या फिर वर्टिकल स्टैंडर्ड आप अपने हिसाब से यहाँ पर चूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल स्टैंडर्ड को सिलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस कर देना है F2। F2 प्रेस करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर बैलेंस शीट आपको दिखाई दे जाएगी। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखाई देगा कैपिटल अकाउंट में 25,000। 25,000 क्या है मैं आपको एक बार क्लियर करना चाहूंगा। 25,000 को सिलेक्ट करते हुए जैसे हम यहाँ पर एंटर की प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका आदित्य ऑनर है, जिसके अकाउंट से 25,000 रुपए का यहाँ पर क्रेडिट अमाउंट आपको दिखाई दे रहा है। ये चीज क्या है, एक बार और एंटर प्रेस करिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 25,000 रुपए का इसने यहाँ पर 2 ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की थी, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस और रेंट ऑफ बिल्डिंग, यानी ये 2 एक्सपेंसेस इसने अपनी जेब से पे किया था, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 15,000 रुपए का एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस था और 10,000 रुपए का रेंट ऑफ बिल्डिंग था। टोटल यहाँ पर अगर हम इसे इंक्लूड करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 25,000 यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा। वापस से हम यहाँ से एस्केप की प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको 1,60,000 रुपए का करंट लायबिलिटी आपको शो कर रहा है। अब ये करंट लायबिलिटी क्या होती है दोस्तों, ये करंट लायबिलिटी का मतलब होता है कि यहाँ पर आपको ये पैसा पे करना होगा और ये पैसा किसको पे करना होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंडी क्रेडिटर्स हैं जिसको आपको ये पैसा पे करना होगा। तो इसको सेलेक्ट करते हुए जैसे हम यहाँ पर एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंडी क्रेडिटर्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और क्रेडिट अमाउंट में आपको 1,60,000 रुपए दिखाई दे रहा है। दोस्तों ये पैसा वो पैसा है जिससे हमने अभी सारे गुड्स को यहाँ पर परचेज किया था, यानी अलग अलग सेंडी क्रेडिटर से जो हमने सामान खरीदा था जैसे फर्नीचर या और भी जितने आइटम्स हमने यहाँ पर परचेज किए थे वो सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुज फर्नीचर हाउस से हमने 30,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं मशीनरी हमने खरीदी थी रोहित मशीनरी हाउस से जो कि 60,000 रुपए की थी। इसी तरीके से सुनील टूल हाउस से हमने यहाँ पर 45,000 रुपए का टूल खरीदा था और यहाँ पर आप देख सकते हैं सूरज कंप्यूटर से हमने 25,000 रुपए का यहाँ पर कंप्यूटर खरीदा था। टोटल वैल्यू आप यहाँ पर देख सकते हैं 1,60,000 रुपए हमारी हुई है, जो कि हमें यहाँ पर इसे पे करनी होगी। तो स्कैप करके हम वापस एक बार बाहर आ जाते हैं। इसके बाद हम आते हैं एसेट साइड में। एसेट साइड में जैसे हम यहाँ पर आएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एसेट साइड में यहाँ पर आपको लॉस दिखाई दे रहा है 37,000 का। दोस्तों ये 37,000 क्या है आइए जानते हैं। इसको सेलेक्ट करते हुए जैसे हम यहाँ पर एंटर की प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सभी एक्सपेंसेस आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेंगे कि हमने यहाँ पर कितने एक्सपेंसेस यहाँ पर किए हैं, वही हमारा टोटल अमाउंट 37,000 यहाँ पर बना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हमने पे किया यहाँ पर 15,000 रुपए का। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा बैड डेब्ट्स यहाँ पर हुआ था 1,000 रुपए का। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेप्रिसिएशन हमारा यहाँ पर टोटल 9,000 रुपए का हुआ है, जिसमें से 5,000 रुपए हमारा फर्नीचर और 4,000 रुपए यहाँ पर मशीनरी पर था। इसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं लॉस ऑन सेल यहाँ पर आपको 2,000 रुपए दिखाई दे रहा है, जो कि हमारा कंप्यूटर में हमारा लॉस हुआ था। और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं रेंट ऑफ बिल्डिंग यहाँ पर हमारा 10,000 रुपए का रेंट ऑफ बिल्डिंग पे किया गया था, टोटल यहां पर अगर हम इसे इंक्लूड करेंगे तो 37,000 का हमारा टोटल अमाउंट यहां पर बना है, जो कि हमारा करंटली अभी लॉस में हमें दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम यहां से एस्केप की प्रेस करते हुए वापस से बाहर आएंगे। अब आप यहां पर देख सकते हैं आपको फिक्स एसेट दिखाई दे रहा है 1,26,000 रुपए का। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं 1,60,000 रुपए का हमारा टोटल अमाउंट है जो हमने यहां पर परचेज किया था, मगर यहां पर आप देख सकते हैं 1,26,000 रुपए हमारी एसेट्स यहाँ पर दिखाई दे रही है। ऐसा क्यों है आइए जानते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर वापस से इस पर एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने जो फर्नीचर खरीदा था 30,000 रुपए का खरीदा था, लेकिन यहाँ पर 25,000 रुपए शो कर रहा है। ऐसा इसलिए शो कर रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर 5,000 रुपए का डेप्रिसिएशन अमाउंट यहाँ पर डाल दिया था। इसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं मशीनरी जो हमने खरीदी थी अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें यहाँ पर 56,000 रुपए दिखाई दे रहा है, क्योंकि 4,000 रुपए का हमने यहाँ पर डेप्रिसिएशन लगा दिया था। इसी तरीके से टूल्स की अगर हम बात करें तो टूल्स हमारा 45,000 रुपए का था, जिसमें हमने कोई भी डेप्रिसिएशन यहाँ पर ऐड नहीं किया हुआ है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको कंप्यूटर यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि कंप्यूटर को हम यहाँ पर बेच चुके हैं जिसका अमाउंट 25,000 रुपए था। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर 1,60,000 रुपए में से अपने इन सभी एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं तो हमारा जो बैलेंस बचता है वो 1,26,000 रुपए ही यहाँ पर बचेगा। तो इसके बाद हम यहाँ से एस्केप करके बाहर आ जाते हैं और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं आपको करंट एसेट दिखाई दे रहा है 22,000 रुपए का। अब ये 22,000 रुपए का करंट एसेट्स क्या है? तो दोस्तों जो हमने कंप्यूटर बेचा था शकील अहमद को 22,000 रुपए का, उससे हमने यहाँ पर कैश रिसीव किया था 22,000 रुपए। यही कैश इन हैंड आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको यहाँ पर बैलेंस शीट के साथ साथ आपको सारी एंट्री सही से समझ में आ गई होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।